नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार है, गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमएसवर्ड के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे बॉर्डर्स सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए, मैं पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, आज हम लोग सीखेंगे ये, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ टैक्स को ले लेता हूँ, कुछ रैंडम टैक्स ऐसे मैंने ले लेता हूँ जो कि एक लाइन ले और लेंगे। ठीक है, मैंने दो लाइन ले लिया और इसको थोड़ा सा बड़ी कर लेता हूँ। चलिए, तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देखिएगा बॉटम मतलब नीचे होता है। आप नीचे को लगाना चाहते हैं बॉर्डर, नीचे को लगा सकते हैं। अगर फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं और लिख के आप जैसे इंटर मारते हैं, ये बॉर्डर आपको नीचे आपको चलते जाएगा। ठीक है, इसको मैंने वापस किया, उसके बाद फिर मैंने सिलेक्ट किया। और फिर अगर हम आपको चाहते हैं टॉप में, तो टॉप में भी बॉर्डर लगा सकते हैं, ऊपर होता है टॉप। उसके बाद आप चाहते हैं लेफ्ट, तब लेफ्ट में बॉर्डर लगा सकते हैं। हमारे पास बॉर्डर दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब ऐसे करेंगे तो बॉर्डर दिखाई देगा मुझे। उसके बाद टॉप के बाद लेफ्ट हो गया, उसके बाद लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे और लेफ्ट क्लिक करके राइट में, यानी कि बॉक्स आपको बंद हो गया। आप कुछ भी लिखिएगा, इंटर मारिएगा तो आपको लिखाते जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इंटर हमारे लिखाते गया आपको, फिर इंटर हमारे फिर लिखाएगा। अगर फिर वापस जाना है तो सीधे बैक करते जाइएगा, फिर अपने आप ख़त्म भी होते जाएगा। देखिए, ख़त्म भी होते जाएगा। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग आते हैं फिर, अगर हमको नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो बॉर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम मैंने कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं फिर उसको सेलेक्ट करता हूँ सभी को, ऑल बॉर्डर करेंगे। देखिए, तो ऐसा हो जाएगा। और जिसमें आपको इसमें लिखना है या लिखते लिखते या फिर इंटर मारिएगा तो आपको फिर एक और लाइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसमें लिखिए और फिर इंटर मारिएगा तो एक और लाइन आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर वापस कीजिएगा तो लाइन ख़त्म भी हो जाएगा आपको, समझ गए। और इसमें चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो सबको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ही आएंगे आउटसाइड बॉर्डर। क्योंकि आउटसाइड बॉर्डर आपका ऐसा हो जाएगा, इनसाइड ऐसा हो जाएगा, इसे आप सब यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रा लाइन और व्यू गाउट लाइन और ये आपको बॉर्डर्स एंड सेटिंग। देखिए, अब हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रा टेबल और व्यू गाइडलाइन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन चीज़। ये आगे इसका ऑप्शन आने वाला है, अभी हम लोग सीख लेते हैं बॉर्डर्स एंड सेटिंग को। ठीक है, इसमें इसका जरूरत पड़ता है, तो इस पर भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब आगे चल के ऑप्शन आने वाला है। तो बॉर्डर सेटिंग में आएंगे, यहाँ से आप देखिएगा बॉक्स टाइप का आपको आ जाएगा बॉर्डर। अब बॉक्स टाइप के में बॉर्डर में आपको ऐसा लाइन चाहिए तो ऐसा आ जाएगा, इस लाइन का आपको कलर आपको आ जाएगा। और जैसे ही आपको लाइन का कलर ले लेते हैं और जैसे आप ओके क्लिक कीजिएगा तो देखिए, इस टाइप का बॉर्डर आपको लग जाएगा, ये बॉक्स टाइप का बॉर्डर। फिर से मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर इसी में जाकर और समझाता हूँ आपको। देखिएगा शेड, यहाँ पर देखिए परछाइयाँ आएगा, ओके करेंगे, देखिए परछाइयाँ आया। फिर इसी में चलते हैं, हमको नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो नन पर क्लिक कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। और उसके बाद 3D इस तरह से आएगा, कस्टम इस तरह से आएगा, ठीक है ना, कस्टम। और यहाँ पर से आप देखिए, ऊपर का नहीं चाहिए तो नहीं, बीच का चाहिए तो यस, इधर का चाहिए ऐसे करके जब वो कीजिएगा, देखिए ऐसा ही आपको बन जाएगा बॉर्डर। फिर नीचे आते हैं और फिर इधर भी गैप करने तो गैप कीजिए, इधर भी गैप करने गैप कीजिए, इस तरह सीखेगा गैप कीजिए। नहीं चाहिए तो
नन क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।